कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हो बिफोर ये है और आफ्टर में ये। तो गाइस आपको पहले इस फोटो को शेयर करना होगा। कहाँ पे शेयर करना है? लाइट रूम में। तो लाइट रूम में शेयर कर लेना। इनमें जो भी मैं प्रीसेट यूज़ करूँगा या PNG वगैरह, वो सब मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप ज्वाइन होके आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो। तो ये प्रीसेट है, तो हम इस प्रीसेट को कॉपी सेटिंग करेंगे। तो कुछ इस टाइप से कर लेना है और अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना और पेस्ट कर देना, जैसे कि देख सकते हो V4 आफ्टर। तो अब इस फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क में। ऑटोडेस्क में ओपन हो जाने के बाद गाइस, तो ओपन हो गया हमारा ऑटोडेस्क में। तो आपको इस पेंसिल वाला आइकन पे जाना होगा। आपको ये ब्रश ले लेना है, ये ब्रश। तो इस ब्रश को ले लेना और अपने हिसाब से साइज अमाउंट रख लेना। तो कुछ इस टाइप से रख लेना है गाइस। तो हम इतना रख लेने के बाद गाइस आप क्या करते हैं, ब्रश को चला लेते हैं। गाइस जब तक मैं ब्रश चला रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके रख लेना प्लीज़ गाइस। आप लोग सपोर्ट करो मेरे को। तो मैं इतना कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ अगला स्टेप गाइस। तो गाइस इसे आप फोटो शेयर कर लेना होगा, अपने फोटो रूम में शेयर करना होगा। गाइस आप लोग वीडियो में बने रहना, तभी मेरे जैसे फोटो एडिटिंग करना सीख पाओगे। तो आपको वीडियो में पूरा एंड तक देखना होगा। गाइस फोटो रूम में शेयर कर लेना है। तो फोटो रूम में शेयर करने के बाद गाइस आपको पहले नेट ऑन कर लेना अपने मोबाइल का। यहाँ नेट ऑन हो गया है, तो हम फिर से ऐड कर लेंगे अपना फोटो। तो ये हमारा फोटो है, हम इसको स्मूथ वगैरह कर रखे हैं। तो अब इसको हम बैकग्राउंड इरेज करेंगे गाइस। तो यहाँ बैकग्राउंड इरेज हो गया है, अब अपने फोटो को सेव कर लेना है। तो यहाँ आ गया, थोड़ा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है गाइस, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस। आप लोग वीडियो फुल वॉच करना गाइस। तो यहाँ सेव कर लेना फोटो को। और सेव करने के बाद गाइस हम पहले इस फ्लाइट मोड को ऑफ कर देते हैं, और आपको एक बैकग्राउंड दूंगा उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमारा ये बैकग्राउंड है, तो हम इसको शेयर करेंगे आप पिकार्ट में। कहाँ पे? पिकार्ट में शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पिकार्ट में शेयर हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, पहले ऐड फोटो में ही जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको अपने बैकग्राउंड जिसका इरेज किए थे, तो इसको कुछ इस टाइप से यहाँ सेलेक्ट कर लेना। देख रहे हो गाइस कितना हैंग चल रहा है मोबाइल भी। तो यहाँ कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना, इससे बिल्कुल परफेक्ट बैठा लेना। तो इतना ठीक है, और फिर से ऐड फोटो में जाना होगा गाइस। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे जो भी पेंदी है सब सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ इस दोनों को पेंदी को पहले लगा लेते हैं हम। तो यहाँ इरेज कर लेना इसको, और इसको यहाँ लाके थोड़ा बैठा देना इस टाइप से। तो यहाँ बैठाने के बाद इसको भी ले लेना कुछ इस टाइप से, और यहाँ बैठा देना। बैठाने के बाद गैस आपको हार्डनेस को कम कर देना, साइज़ को फुल, और थोड़ा सा इरेज करना है इसे बिल्कुल। और यहाँ इसको भी कर लेना, हार्डनेस को कम और साइज़ को फुल करके कुछ इस टाइप से चलाना है आपको। तो इतना करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद गैस फिर से आपको ऐड फोटो में जाना होगा। और हम अब एक कलर ले लेते हैं, उसको भी ऐड करना होगा, और टेक्स्ट भी। गाइस इसमें जो भी PNG वगैरह यूज़ करूँगा आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो हाँ इसको ऐड कर लेना है, और इसको भी ऐड करना है गाइस। तो ऐड करने के बाद आपको तो पहले इसको ले लेना, आपको ब्लेंड पे जाना होगा, स्किन कर देना
स्किन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से छोटा कर देना, और इसको ले लेना, इसको भी ब्लेंडिंग पे जाके स्किन कर देना और यहाँ पे इस टाइप से लगा देना। तो यहाँ इसका ओपेसिटी कम कर सकते हो आप, मैं यहाँ रख ले रहा हूँ 77 और यहाँ पे लगा लेता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो इतना करने के बाद आपका सेव कर लेना अपना फ़ोटो। जैसे सेव करेंगे गाइस आपको वन क्लिक में फ़ोटो एडिट हो जाएगा। अभी मैं शेयर करूँगा लाइट रूम में, आपको इनका प्रीसेट दे दूँगा, आप इजीली आप प्रीसेट का यूज़ कर सकते हो, वन क्लिक में आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। तो ये फ़ोटो है मेरा अभी एडिट किया, इसको शेयर कर लेते हैं लाइट रूम में। तो लाइट रूम में हो गया होगा हमारा, तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आके अपना लाइट रूम ओपन कर लेना होगा। तो जैसे ही लाइट रूम ओपन कर लेंगे गाइस थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ हो गया अपलोड, तो आपको मैंने जो दिखाया था थंबनेल में उस प्रीसेट का भी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे कॉपी सेटिंग कर लेना और वन क्लिक में आपको फोटो देखना अभी एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पेस्ट कर देना, जैसे कि आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर। तो वन क्लिक में हमारा फोटो एडिट हो गया गाइस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, तब तक के लिए बाय बाय।